Hi. So in this lecture, we want to study a specific kind of binary trees. So these binary trees are basically called binary search trees. Okay, these are called binary search trees. So what is a binary search tree? It's basically inspired from binary search algorithm. So if you remember, on an array, if we had to search something, हमें ओ एन टाइम लगेगा. लीनियरली सर्च करेंगे एक एक करके, हमें ओ एन टाइम लगेगा. बट इफ द एरे इज सॉर्टेड, वी कैन डू बाइनरी सर्च एंड इट विल टेक ऑर्डर लॉग एन. इट बी मच मच फास्टर, मच मच फास्टर. ठीक है, दैट्स बेसिकली द मेन इंट्यूशन बिहाइंड बाइनरी सर्च ट्रीज. सो एक बाइनरी ट्री में अगर मुझे एक नोड सर्च करनी है, मुझे कितना टाइम लगेगा? मुझे एक एक करके हर एक नोड पे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या ये वही नोड है जो मैं ढूंढ रहा हूँ. एंड अगर वो सेम नोड मिल गई तो मैं बोल पाऊंगा कि हाँ, मुझे मेरा आंसर मिल गया है. ओके, ओनली देन आई विल बी एबल टू से दैट आई हैव गॉट माई आंसर. बट दैट विल रिक्वायर बिग ओ ऑफ एन टाइम. वट वी वॉन्ट टू गेट टू इज अ फास्टर वे ऑफ गेटिंग टू आर सर्च. इन अ फास्टर वे आई शुड बी एबल टू आंसर माई सर्च क्वेरीज. ठीक है, सो बाइनरी सर्च से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेने की ट्राई करते हैं. मान लेते हैं जैसे बाइनरी सर्च में मेरा ये कह रहे हैं, मुझे कुछ भी ढूंढना है, मैं क्या करता हूँ? मैं सबसे पहले यहाँ जाता हूँ. फिर अगर नोड्स मुझे जो चाहिए, जो मुझे डेटा चाहिए वो छोटा चाहिए, तो मैं लेफ्ट में चला जाता हूँ. अगर मुझे जो डेटा चाहिए वो बड़ा चाहिए, तो मैं फोर के राइट में चला जाता हूँ. तो मैं मिड पे जाता हूँ. डिपेंडिंग अपॉन If the data that I am looking for is larger, I am going to go to the right. Otherwise, I am going to go towards left. We want to apply something similar here. We want कि हम root पे आएं. हम अपने root से compare करें जो हमें search करना है. अगर search r के equal है, answer मिल गया. अगर search r से बड़ा है, तो हम right पे जाना चाहते हैं somehow. Otherwise, हम left पे जाना चाहते हैं. That means everything on the right should be bigger than the root, everything on the left should be smaller than the root. Tabhi to bol payenge, bhai main root pe aaya, root pe 5 rakha hua hai, mujhe 9 chahiye, to main kya bolunga? Left mein nahi ho sakta, left mein to sab kuch 5 se chhota hai, to left mein jane ki zarurat nahi, chalo right pe chalte hain, because right mein sab kuch 5 se bada hai. It's basically like my tree is sorted. Left mein sab kuch chhota, right mein sab kuch bada, root beech mein hai kahin pe. Theek hai, दैट्स बेसिकली वॉट अ बाइनरी सर्च ट्री इज. इससे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बनाऊंगा? ये सबसे ज्यादा एक्सेसिबल चाहिए, इसको रूट बना लेते हैं. अब 1, 2, 3 इस तरफ जाएगा एंड 5, 6, 7 इस तरफ आएगा. जो ये 1, 2, 3 होगा, इसका मिड क्या है? 2 है. सो वट आई डू इज मैं 2 ये रख लूंगा, 2 से छोटा लेफ्ट में भेज दूंगा विच इज 1, और 2 से बड़ा मैं राइट में भेज दूंगा विच इज 3. सो मेरा जो ट्री है, सिमिलरली ऑन दिस साइड मैं 6 को बीच में रख लूँगा, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, इनको भी हम सर्कल बना सकते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई बाइनरी सर्च ट्री. सो बाइनरी सर्च ट्री की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फॉर एवरी नोड एवरीथिंग, for every node n, everything in n's left subtree is less than n's data. For every node left में सब कुछ छोटा होना चाहिए. Everything in n's right subtree is greater than n's data. ये दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड ये दो कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा जो बाइनरी ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री हो जाएगा. सो अ ट्री तो बाइनरी होना चाहिए, तभी तो बाइनरी सर्च ट्री होगा. बाइनरी सर्च ट्री कहलाने के लिए बेसिकली हमें ये बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए, फॉर एवरी नोड लेफ्ट में सब कुछ छोटा होना चाहिए, राइट में सब कुछ बड़ा होना चाहिए. अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं.
Is this a binary search tree? This is not a binary search tree. Because 5, 4 ke left mein hai. 5, 4 ke left mein hai. But 5, 4 se bada hai. So, ye is 5 ki wajah se, 5 aur 4 ke relation ki wajah se gadbad ho gayi hai. Ye binary search tree nahi hai. This is not a binary search tree. Okay? This is not a binary search tree. Is this a binary search tree? वन के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, ठीक है. वन के राइट में सब कुछ वन से बड़ा है. टू के राइट में सब कुछ टू से बड़ा है. थ्री के राइट में सब कुछ थ्री से बड़ा है. फोर के राइट में सब कुछ फोर से बड़ा है. फाइव के राइट में सब कुछ फाइव से बड़ा है. सिक्स के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है. सो येस, दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री. नॉट अ वेरी यूजफुल वन, बिकॉज कुछ भी सर्च करना है तो मुझे एन काम करना पड़ेगा. पर इट इज स्टिल अ बाइनरी सर्च ट्री बिकॉज इट सेटिस्फाइज बोथ आर प्रॉपर्टीज. फॉर एवरी नोड, एवरीथिंग इन लेफ्ट इज ग्रेटर देन दैट नोड. Everything on right is, sorry, everything on left is smaller than that node and everything on right is greater than that node. ठीक है, ये हमारी basic property satisfy हो रही है. So, this is not a binary search tree, this is a binary search tree. Ideally, I would like to see binary search trees of kind this. किस टाइप के? थोड़े balanced हो, है ना? Like, दोनों तरफ nodes हो, सिर्फ एक ही तरफ node नहीं चले जा रही है. Because ये हो गया, तो सर्चिंग हमारी फिर से स्लो हो गई है. इसमें सर्चिंग बहुत फास्ट हो गई. लेट्स फाइंड फाइव. फोर पे आए, राइट जाओ. सिक्स पे आए, लेफ्ट जाओ. मिल गया. फटाफट से हम सर्च कर पाएंगे, फटाफट से हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे और हम अपना काम कर पाएंगे. ओके, दैट्स बेसिकली व्हाट बाइनरी सर्च ट्रीज आर. और देखते हैं, अभी थ्रू आउट द लेक्चर हम बहुत सारा कोड करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, तो होपफुली एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक यू.